नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टिप चैनल में। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं धूमिल की एक और कविता पे जिसका नाम है अकाल दर्शन। मित्रों, अकाल दर्शन जो कविता है वो एनटीएनेट के सिलेबस में लगी हुई है इकाई 5 के अंतर्गत, और सुदामा पांडे धूमिल जिनका एक महत्वपूर्ण कविता संग्रह है 1972 में प्रकाशित हुआ और जिसका नाम है संसद से सड़क तक, उसी कविता के अंतर्गत, उसी काव्य संग्रह के अंतर्गत अकाल दर्शन का अभिव्यक्तिकरण किया गया है, उसको रचा गया है। इसकी अगर हम पंक्तियों की बात करें तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां जो कविता के समग्र का बोध करने का प्रयास करती हैं, उनकी हमने यहाँ पे उक्तियों को रखा हुआ है। और कविता को कुछ विषयों के अंतर्गत हमने बांटा है। प्रारंभ हुआ है उसका भूख और क्यों से, और भूख और क्यों से यहाँ तक कि हम भेड़िया साम्राज्य में राष्ट्रीय जंगल की बात की उद्भावना करेंगे। इन दोनों ही बिंदुओं से इस तरफ आपको उपविषय मिलेंगे, कविता के कुछ पंक्तियां और तथ्य कथन मिलेंगे। इन सभी के माध्यम से हम आपको कविता का समीक्षा और सार बताएंगे। इन दोनों से पूर्व में हम कविता के दो पक्षों की चर्चा कर लेते हैं। साहित्य की अगर हम चर्चा करें तो दो तत्वों से मिलकर बना होता है भाव और शिल्प। किससे मिलकर बना होता है? भाव और शिल्प। जब हम भाव और शिल्प की चर्चा करते हैं, जैसा हमने जितनी भी कविताएं अपलोड की, जितने भी वीडियोज आपको मिलेंगे, दोनों ही इन पक्षों को विवेचित करते हुए मिलेंगे। भाव की अगर हम बात करें तो इस भाव में कौन है? सामान्य जन मानव है। कौन है? सामान्य जन। सामान्य जन जो छोटा आदमी है, लघु आदमी है, या फिर कह सकते हैं हम उपेक्षित वर्ग है। कौन सा वर्ग है? उपेक्षित वर्ग है, जो सत्ताधीशों की नजर के सामने नहीं आता। और इसी की कौन सी आवाज है जो लोगों तक नहीं पहुंचती, संसद तक नहीं पहुंचती? गूंगी आवाज। गूंगी आवाज की चर्चा, या फिर बहरी संस्कृति, बहरी संसद। अब ये राजनीतिक आक्षेप जो लगाए गए इस सामान्य जन मानव के बारे में, या फिर अगर हम इसको एक शब्द देने का प्रयास करें तो कॉमन मैन या फिर आम आदमी। अब इसको किसी विशेषीकृत नहीं करेंगे हम, इसका मतलब ये है कि एक बहुत सामान्य आदमी। इसका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, माफ कीजिएगा मुझे ये कहना पड़ रहा है, लेकिन इसका किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? वो कॉमन मैन है, वो सामान्य व्यक्ति है, आम आदमी है, जो किसी प्रजातांत्रिक जो सत्ता है उसके साथ में अपना कार्यभार करता है और आकांक्षा करता है, आशा करता है कि अच्छा दिन आएगा। कौन सा दिन आएगा? अच्छा दिन आएगा। इसी अच्छे दिन की आकांक्षा में निरंतर लगा रहता है। और वामपंथी विचारधारा के हमारे महत्वपूर्ण कवि धूमिल जो सदैव क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत रहते हैं। अब देखिए, भाव की बात करें तो भाव किसका है? ये जो भाव है जिस कवि का है, उसका जो पंथ है वो कौन सा है? वामपंथी विचारधारा। और वामपंथी विचारधारा के महत्वपूर्ण कवि के रूप में नाम आता है सुदामा पांडे धूमिल का। मित्रों, सुदामा पांडे धूमिल जो है वो सत्ता को आड़े हाथ ले करके और उसके यथार्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। तो भाव पक्ष में कहीं भी इस कविता में कोई ओछापन नहीं है, यानी भावों में बहुत ही श्रेष्ठ भाव की तुलना अगर हम करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। अब वामपंथी विचारधारा की बात करेंगे तो वामपंथी विचारधारा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बात आती है कि क्रांति के लिए अवसर तलाशना। वामपंथी विचारकों की सदैव उद्भावना क्या रहती है? क्या? क्रांति के अवसर तलाशना। और यही यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उद्घाटित होता है। तो ये बहुत अधिक इसकी समग्र चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पूरी कविता में हम इस प्रकार के विश्लेषण करते रहेंगे। अब जल्दी से शिल्प देख लेते हैं। शिल्प की बात करें तो भाषा, अगर भाषा की बात करें, जब हम वामपंथी विचारक को देखते हैं तो किस प्रकार की भाषा प्रयोग करते हैं? सरल, सहज और जन भाषा का प्रयोग करते हैं। कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? जन भाषा का प्रयोग। सरस और सहज दोनों ही, यानी गुण की बात करेंगे तो गुण कौन सा है? प्रसाद गुण है। प्रसाद के साथ साथ में अगर हम बात करें तो इसमें ओज गुण भी कहीं ना कहीं आ जाता है। जहां पे एक क्रांति की विचारधारा ज्ञापित होगी तो ओज भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि वामपंथी की भुजाएं फड़कना कोई बहुत विशेष बात नहीं है, वो सामान्यतः ऐसा हो जाता है। प्रसाद गुण हो जाएगा। गुण के साथ में अगर हम शब्दों की चर्चा करें या शैली की चर्चा करें तो इसमें शैली एक है महत्वपूर्ण। मित्रों,
आश्चर्य शैली, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न और आश्चर्य शैली। इसमें एक व्यक्ति की चर्चा की गई है जो सत्ता पक्ष का बोधक है या जो व्यवस्था पक्ष का बोधक है, उससे ही जो सामान्य व्यक्ति है वह प्रश्न करता है और सामने आपके साफ साफ लिखा हुआ है कि मूर्ख कौन उठ जाता है, और किससे प्रश्न किया जा रहा है, वो व्यवस्था से प्रश्न किया जा रहा है। तो प्रश्न और आश्चर्य दोनों को केंद्र बिंदु मान करके इस कविता का लेखन किया गया है। भाषा, अगर हम भाषा की बात करते हैं तो मैंने जिसमें कहा तो यहाँ पे चूची शब्द, एक शब्द आता है जूजू, ठीक है, सामान्य भाषा में हम किसी बच्चे को डराने के लिए इन शब्द का प्रयोग करते हैं, जूजी या जूजू का। और इस प्रकार से ये देखिए कितना क्षेत्रीय शब्द है, कितना आंचलिक शब्द है, बहुत सामान्य। मैंने एक शब्द से बताने का प्रयास किया कि ऐसा कुछ यहाँ पे कहा जा रहा है, अकाल को सोहर की तरह गाया जा रहा है। अब देखिए ये सोहर है, ये सोहर बच्चे के जन्म को बोध का बोध करने के लिए इसका वर्णन किया जा रहा है। तो तमाम प्रकार के ऐसे शब्दों को, आंचलिक शब्दों का इस कविता के अंतर्गत प्रयोग किया जा रहा है, जिनका अभिव्यक्तिकरण जो जन भाषा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से कविता के भाव और शिल्प दोनों की चर्चा करेंगे हम। कला पक्ष, ये कौन सा भाव, अगर हम शिल्प की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, कला पक्ष भी कहते हैं। ये कला पक्ष जो है ये शिल्प के अंतर्गत आता है, इसमें कविता किस प्रकार से गढ़ी गई, किस प्रकार से उसका लेखन किया गया, इसका बोध होता है। दोनों ही बातें समझ में आ गई। कविता का प्रारंभ करते हैं और यहाँ पे कहा जाता है कि भूख कौन उपजाता है, वह इरादा जो तरह देता है। भूख कौन उपजाता है, वह इरादा जो तरह देता है, या वह घृणा जो आंखों में पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ा है। देखिए कितनी सामान्य सी पंक्तियों के माध्यम से, कितनी विशेष व्यंग्यात्मक शैली के माध्यम से समाज के का जो पूरा आह्वान है, इस उपेक्षित वर्ग का जो आह्वान है, सीधे संसद तक पहुंचा दिया जाता है। कहते हैं कि भूख कौन उपजाता है, वह इरादा जो तरह देता है, या वह घृणा जो आंखों में पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आता है। ये एक महत्वपूर्ण जो आवेग है वो इस सामान्य जन मानस के अंतर्गत जो अंतर्निहित में यह भावना है, उद्भावना है, इसी को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। पुनः देखते हैं यहाँ पे कुछ बिंदुओं के माध्यम से, भूख और क्यों, यानी भूख का उद्भव ही क्यों हुआ, भूख का उद्भव ही क्यों हुआ। अकाल दर्शन की मित्रों अभिव्यक्ति हो रही है, हम विषय से इतर कोई बात नहीं करेंगे, विषय से इतर कोई बात नहीं करेंगे। अकाल का दर्शन हो रहा है और व्यवस्था से प्रश्न किए जा रहे हैं, इसी के माध्यम से छटपटाते बिलखते बच्चों का चित्रण किया जा रहा है। मित्रों इसमें उस समय की वर्णन हो रहा है, अभिव्यक्ति हो रही है जो आजादी के 15 वर्षों के बाद का है। जब आजादी प्राप्ति की बात हो रही थी तो गांधी और आजादी दोनों की चर्चा हो रही थी, अभी चर्चा हो रही थी, उसके बाद में आजादी मिल जाती है, हमारा भारत राष्ट्र आजाद हो जाता है। लेकिन भुखमरी, तंगी और राजनीतिक आक्षेप या उनकी जो प्रजातांत्रिक गतिविधियां हैं वो सुस्त पड़ जाती है और भुखमरी, तंगी, अकाल जैसी स्थिति आ जाती है। इस सामान्य, इस महत्वपूर्ण स्थिति जिसको प्रजातंत्र सामान्य मान रहा है उसको ही उद्घाटित करने का प्रयास किया गया। और इंदिरा गांधी के समय में अगर हम बात करें तो इसमें कविता के 1972 की बात करेंगे, उस संसद से 77 की चर्चा हो रही है। इसी समय अगर हम बात करें तो युद्ध का भी समय था, आपातकाल का भी समय था, आपातकाल भी लगाया गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो जनसंख्या उन्मूलन या जनसंख्या पर रोक लगाने वाला कानून भी लाया गया। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो गरीबी हटाओ एक जो कानून था वह भी लाया गया। और इन सभी पर आक्षेप करते हुए गरीबी हटाओ जो कांग्रेस का या एक योजना थी और जनसंख्या रोकथाम की जो योजना थी उसके बारे में यहाँ पे वर्णन। अब देखिए व्यंग्य किस प्रकार से किया जाता है, व्यंग्य की बात करें तो कवि के बिन उत्तर वाले प्रश्न, जिस सामान्य चालाक आदमी से कवि प्रश्न करता है उस व्यवस्था के परिचायक की बात करते हैं। कहते हैं बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चों की तरह इशारा किया, भूख और अकाल की अभिव्यंजना करने वाले की बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चों की तरह इशारा किया। बाढ़ यानी जहां पर बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। अब ये जनसंख्या रोकथाम पर का जो कानून लाया गया था उसी की बात करते हैं। बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत है मित्रों, बहुत दिन नहीं हुए हमारे लॉकडाउन को, बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत है। अब ये बेकारी किस प्रकार की, ये बेकारी जिस समय व्यक्ति को कोई काम नहीं मिल रहा होता है,
व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा होता है, घर पर बैठ करके क्या करेगा। और व्यंग की भाषा है, अब आप लोगों को समझाने में कोई समस्या नहीं हो रही मुझे। बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत है, जनसंख्या उन्मूलन और गरीबी हटाओ दोनों पर आक्षेप लगाते हुए, बेरोजगारी की व्यवस्था की अभिवंजना करते हुए इस तथ्य की कथ्य की बात की जा रही है, आख्या की जा रही है, बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद देते हैं। ये बच्चे क्या करते हैं? बसंत बुनने में मदद देते हैं। ये दोनों ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कांग्रेस के दोनों ही योजनाओं पर आक्षेप करने का काम करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है कि बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत है, बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद देते हैं। फिर से हम आते हैं विषय पर। विषय की बात करेंगे तो अकाल का प्रत्यक्ष दर्शन। इस अकाल जैसी स्थिति में, इस ऐसी स्थिति में जहां पर बेरोजगारी है, जहां पर मंदी आ चुकी है, आर्थिक मंदी की स्थिति है, और इस जब प्रश्न किया जाता है उस तीसरे आदमी से, वो तीसरा आदमी कौन? जैसे अगर हम बात करें रोटी और संसद में भी वही बात कही गई, यह तीसरा आदमी कौन? जो व्यवस्था पक्ष का बोधक है, यहाँ पर भी एक व्यवस्था का बोधक है जिसको कहते हैं चालाक। कविता के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है, इसका नाम है चालाक आदमी। और ये चालाक आदमी क्या है? व्यवस्था का दूत है। और इसी दूत से ही प्रश्न किया जा रहा है, वो क्या कर रहा है? ये सब सुन रहा है और सुनते सुनते हंसता जा रहा है, फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो जाता है। किसके हित में स्थानांतरित हो जाता है? चुपचाप वह जनता के हित में स्थानांतरित हो जाता है और फिर वह एक नकाब ओढ़ लेता है, जिस नकाब के पीछे उसके सारे कृत्य छुप जाते हैं। आजाद गांधी, आजादी और गांधी में सब घूमिल हो रहा। आजादी, हमने आजादी दिला दी, और गांधीवादी विचारधारा और इनके मानवतावादी सिद्धांतों के बीच में सब धूमिल हो रहा। धूमिल की कविता के इस धूमिल पक्ष की विवेचना कर रहे हैं हम, जिस धूमिल पक्ष की आड़ में सभी उपेक्षित वर्ग को धूमिल किया जा रहा, उनके जितने भी आवाज है उनको सबको दमन किया जा रहा, दबाया जा रहा। तुम वहां कुआं झांकते आदमी की तरफ सिर्फ पीठ देख सकते हो, जो आदमी और गांधी के नाम पर चल रहा है। देखिए, जो आजादी और गांधी के नाम पर चल रहा है वह कब तक चलेगा? इसका टीकरा कब तक फोड़ा जाएगा? इसके बाद में अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं। अकाल जो है, जैसे बच्चे का जब जन्म होता है तो हम खुशियां मनाते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, आनंद में स्थिति आती है, और एक लोकगीत सोहर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सोहर गा रहे होते हैं, और इस सोहर के माध्यम से अकाल का मंचन किया जा रहा है। ये क्या है? ये विषय है मार्मिक भुखमरी के वातावरण का, और यहाँ पर अकाल जो है वो मंचों के कीर्तन के रूप में बना हुआ है। यानी जहां पर वोट बैंक की स्थिति आती है तो मतदान की स्थिति के लिए हम ऐसी स्थिति का प्रतिव्यंजना करते हैं और अकाल का मंचन करते हैं और कहते हैं कि अकाल को शांत किया जाएगा, इसको समाप्त किया जाएगा। और वोट बैंक के बाद में फिर वह सुन्न पड़ जाता है, फिर वह शांत हो जाता है। पुनः हम देखते हैं अक्सर ये मुझे अपराध के असली मुकाम पर अंगुली रखने से मना कर देते हैं। मित्रों, वर्तमान तत्कालीन स्थितियों में भी ये जो पंक्तियां हैं वो अति प्रासंगिक हैं, इनमें कोई भी संशय नहीं है, महत्वपूर्ण कविता की। देखते हैं यहाँ पे अकाल को सोहर की तरह गाया जा रहा है और अक्सर मुझे ये अपराध के असली मुकाम पर अंगुली रखने से मना कर देते हैं। अक्सर मुझे ये अंधकार के, या फिर क्या कहें, अपराध के असली मुकाम पर अंगुली रखने से मना करता है। और यह मना क्यों करता है, ये महत्वपूर्ण है। ये अपराध का जो असली मुकाम है, जो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां हैं, जहां पर सत्य को सत्य कहने में संकुचा रहा है कभी भी, और उसके साथ साथ में वो समाज भी, जिस समाज में उस समय के लोग जी रहे हैं, या वर्तमान समय की प्रासंगिकता में कोई निर्भीकता नहीं है, यहाँ पे कोई भी संशय नहीं है। वर्तमान में ये कविता उतनी ही प्रासंगिक है जितनी की 1972 में या आजादी के 15 वर्षों के बाद में। दोनों ये स्थितियां हैं कि अक्सर ये मुझे अपराध के असली मुकाम पर अंगुली रखने से मना करते हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं इसके लिए बिंदु हमारे पास में है, ये अकाल मंचों का कीर्तन है। पुनः देखते हैं अगली पंक्तियों के बारे में, यह कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है? अब देखिए इसको कितना बढ़िया इसको जोड़ करके रखा गया कवि के द्वारा, इस पंक्तियों का अभिव्यक्तिकरण किया गया। यह कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है जिससे उम्र में जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली सा बन गया। बहुत अच्छी पंक्तियां इसके अंतर्गत वर्णित की गई हैं। वो कहते हैं ये कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है, ये भाई कौन सी प्रजातंत्र की ये नई नुस्ख है, नई पद्धति है, जिससे इस उम्र में मेरी माँ
चेहरा झुर्रियों के झोली सा बन गया है, यानी कम उम्र में अधिक उम्र जैसी स्थितियों की अभिव्यक्ति या अभिव्यंजना। और क्यों? इसका मूलतः कारण है कि वह भुखमरी और अकाल की इस जीवन से, इस झंझा से जूझ रही हैं। इसका ही वर्णन इसके अंतर्गत किया। और मैं सोचने लगा हूं कि इस देश में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी। ये देखिए दो महत्वपूर्ण बिंदुओं का वर्णन किया गया। कौन कौन से? इसके पूर्व की अगर हम बात करें तो मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली सा बन गया है, इसी के बीच में वो सामने वाले घर में रहने वाली एक प्रेमिका की भी कर लेते हैं और उससे इसके इस बच्च का भी बोध हो जाता है। पुनः देखते हैं और मैं सोचने लगा हूं कि इस देश में एकता युद्ध की, देखिए एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। देखिए दो बिंदु आ गए। एकता जो है वो किसकी पूंजी है? वो युद्ध की पूंजी है। देखिए इसमें इन संकेतों का प्रयोग किया गया। और दया क्या है? दया अकाल की पूंजी है, यानी अकाल में क्या कमाया जा रहा है? दया कमाई जा रही है और युद्ध में एकता कमाई जा रही है, या एकता में युद्ध कमाया जा रहा है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। यहाँ के असंग लोगों के लिए समासयुक्त शब्दावली का प्रयोग भी किया गया। अगर हम शैली क्षेत्र की बात करें तो सामासिक शैली का प्रयोग भी इसके अंतर्गत किया जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ के असंग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे की हाथों की जूझी है, जो शब्द का मैंने पहले ही प्रस्फुटन किया। तो इस प्रकार से इस कविता में जो भी उद्भावनाएं की, जो भी अभिव्यक्त किया गया, वो क्या है? सामान्य जनमानस की कुंठा है, संताप है, उसकी त्रासदी है। और इन सभी मूल भावों को कविता के माध्यम से उस संसद तक, उस प्रजातंत्र तक, उस व्यवस्थित या व्यवस्था या चालाक आदमी जिसका इसमें संकेत लिया गया, उस तक उनका प्रयोग किया गया, उन तक उन बातों को पहुंचाने का प्रयास किया गया है। ये क्या है? ये जनता की दुखों की चिट्ठी है। कविता क्या है? जनता के दुखों की चिट्ठी है। नोट कर लीजिएगा आप ये कथन, मैंने स्वयं कहा कि ये क्या है, ये कविता क्या है, धूमिल का साहित्य क्या है? जनता के दुखों की चिट्ठी है। और इस चिट्ठी का जो पता है वो क्या है? हमारी भारतीय संसद है, उस या यहाँ की व्यवस्था पक्ष की बात है, यहाँ के प्रजातंत्र की बात कही जा रही। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अन्य कवि कहते हैं कि वहाँ जनता में अगाध विश्वास प्रकट करता है। अन्य कवि कहते हैं कि जहाँ जनता में अगाध विश्वास प्रकट करते हैं वहीं धूमिल इस संदर्भ में द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। कवियों की जो आलोचना है, जो आलोचकों की बातें हैं, वो कहती हैं कि जहाँ अन्य कवि जनता में अगाध विश्वास रखते हैं तो धूमिल क्या करते हैं? उसमें द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आलोचकों का यहाँ तक भी मानना है, वो यहाँ तक भी बातें कहते हैं कि धूमिल जनता को हिकारत भाव से देखते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, इस कविता के माध्यम से इसकी उद्भावना भी हो जाती है। अकाल दर्शन वो हिकारत जैसी भावना से बिल्कुल नहीं देखते, उनकी वामपंथी विचारधारा में कहीं न कहीं कुछ क्रांतिकारी उद्भावनाएं देखने को मिलती है, जिससे हम ऐसा कभी कभी हमें लगता है। परंतु उन्होंने इस बात का पूरी तरह से खंडन किया। सत्ता का तिलिस्म तोड़ना आसान नहीं है और यह वो बदला देते हैं जो सत्ता का तिलिस्म है। क्या कहेंगे? जिसको हम कहेंगे सत्ता का तिलिस्म, सत्ता है एक सत्ता और इसका जो तिलिस्म है उसको तोड़ना उतना आसान नहीं है। और फिर भी एक छोटी सी पुकार वो इस कविता के माध्यम से भरते हैं। चार कविता संग्रह साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको कल सुनना मुझे, जिसमें के लिए मिला 1979 में, 1979 में मरणोपरांत उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऐसी विचारधारा को नमन और हमारी कविता का समाप्तिकरण होता है। मित्रों, आप हमारे साथ में हमारे चैनल में गुरुचला एकेडमी में निरंतर बने रहें। प्रतिदिन हम आपको एनडी इंडिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। इसके अतिरिक्त टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और सभी हिंदी साहित्य से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए, परीक्षाओं के लिए हमारे चैनल आपका सदैव हितैषी रहेगा। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहें, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।